हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी कि प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के कुल 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि पहले भी आपके सेमेस्टर परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, यदि घायल व्यक्ति सदमे में है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो जिसके ऑप्शन है उसे समझाना चाहिए, सेकंड ऑप्शन दिया गया है उसे सांत्वना देनी चाहिए, थर्ड ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों सही तथा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, किसी घायल व्यक्ति को या रोगी को प्राथमिक चिकित्सा कब दी जाती है? तो जिसके ऑप्शन है डॉक्टर के आने से पहले, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर के आने के बाद, थर्ड ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों सही तथा फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर के आने से पहले। अगला क्वेश्चन है, कैरोटिड आर्टरी कहाँ स्थित होती है? तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं गर्दन के बीच में, सेकेंड ऑप्शन है गर्दन के कोने में कान के नीचे, थर्ड ऑप्शन है छाती में तथा फोर्थ ऑप्शन है कंधों में। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, गर्दन के कोने में कान के नीचे कैरोटिड आर्टरी स्थित होती है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शरीर के में गर्मी होती है? तो जिसके ऑप्शन है रुधिर में, हृदय में, मांसपेशियों में या फिर हड्डियों में। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रुधिर में, शरीर के रुधिर में गर्मी होती है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चिकित्सक को रोगी से संबंधित किन किन विवरणों का पता होना चाहिए? तो जिसके ऑप्शन है मल मूत्र पसीना, सेकंड ऑप्शन है जीभ पीड़ा, थर्ड ऑप्शन है भूख प्यास तथा फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों में कौन से रोग सामान्य हैं? तो जिसके ऑप्शन है डायरिया, सेकेंड ऑप्शन न्यूमोनिया, थर्ड ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों तथा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जख्मों को साफ करने के पश्चात मरहम पट्टी में प्रयोग में आने वाली दवा है? तो जिसके ऑप्शन है पैरासीटामॉल, बेटाडीन, सी ऑप्शन दिया गया है सेटरजीन तथा फोर्थ ऑप्शन है एंटासिड। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, बेटाडीन। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय धड़कता है? तो जिसके ऑप्शन है 80 बार, 78 बार, 74 बार या फिर 72 बार। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 72 बार। अगला क्वेश्चन है, शरीर का ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है? तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं केवल नाड़ी की गति, सेकंड ऑप्शन है केवल श्वास गति, ऑप्शन सी है नाड़ी व श्वास दोनों की गति तथा ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाड़ी व श्वास दोनों की गति, शरीर का ताप बढ़ने पर नाड़ी व श्वास दोनों की गति बढ़ जाती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, घायल व्यक्ति को CPR कब तक देना चाहिए? तो जिसके ऑप्शन है 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, जब तक वह मुंह खोलकर सांस नहीं लेता तथा ऑप्शन डी दिया गया है जब तक वह नाक से सांस नहीं लेता। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पल्स यानी कि नाड़ी की जांच करने के लिए कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 से 10 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, एंटासिड सिरप किस काम आता है? तो जिसके ऑप्शन है सर्दी जुकाम एलर्जी में, ऑप्शन बी है बुखार में, ऑप्शन सी है पेट में जलन एवं बदहजमी तथा ऑप्शन डी है ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेट में जलन व बदहजमी के लिए एंटासिड सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 4 से 7 वर्ष के बालक की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है? तो जिसके ऑप्शन है 10 से 40 बार, 50 से 60 बार, 90 से 100 बार या फिर ऑप्शन डी है 70 से 80 बार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रोगी या घायल को कृत्रिम सांस कब दी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जब वह स्वयं सांस ना ले पा रहा हो। रोगी को कृत्रिम सांस तब दी जाती है जब वह स्वयं सांस ना ले पा रहा हो, तथा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मरीज या घायल व्यक्ति को किस प्रकार रखना चाहिए? तो जिसके ऑप्शन है आरामदायक स्थिति में, ऑप्शन बी दिया गया है गर्म, ऑप्शन सी होश में तथा ऑप्शन डी दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी।
अगला क्वेश्चन है, घायल व्यक्ति की जान बचाना किसका मुख्य लक्ष्य है? तो जिसके ऑप्शन है प्राथमिक चिकित्सा का, परिवार का, समाज का या फिर उपर्युक्त सभी का। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राथमिक चिकित्सा का। अगला क्वेश्चन है, बेहोशी में जीव जिसके ऑप्शन दिए गए हैं मुंह के बाहर लटक जाती है, सेकंड ऑप्शन है गले के पिछले भाग में गिर जाती है, ऑप्शन सी है सूख जाती है तथा ऑप्शन डी दिया गया है लाल पड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई हड्डी टूट गई हो तो मरीज को ऑप्शन दिए गए हैं बेहोश कर दें, ऑप्शन बी दिया गया है सीधा कर दर्द कम करने का प्रयास करें, ऑप्शन सी है बैठा दें तथा ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल थर्मोमीटर किस काम आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तापमान नापने हेतु। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस तारीख को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे घोषित किया है? तो इसके ऑप्शन है 12 अक्टूबर, सेकंड ऑप्शन है 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 18 अक्टूबर तथा ऑप्शन डी दिया गया है 20 अक्टूबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, स्ट्राइल काउच क्या है? तो जिसके ऑप्शन है थर्मामीटर, सेकंड ऑप्शन है पट्टी, ऑप्शन सी है रुई तथा ऑप्शन डी है फर्स्ट एड बॉक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पट्टी। स्ट्राइल काउच एक पट्टी है अतः ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे के शरीर का ताप ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर कहाँ लगाना चाहिए? जिसके ऑप्शन है मुंह में, बगल में, पैर में या फिर दांत में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बगल में। अगला क्वेश्चन है, श्वास ग्रहण करने की दर क्या कहलाती है? जिसके ऑप्शन है गति, तापमान, परिसंचरण या फिर माप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गति। अगला क्वेश्चन है, जिस यंत्र से शरीर का तापक्रम नापते हैं वह कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ CPR? CPR का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, CPR का पूरा नाम होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिएशन, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, घायल व्यक्ति की पल्स की जांच करने के लिए कितना सेकंड लगते हैं? तो इसके ऑप्शन है 11 से 12 सेकंड, सेकंड ऑप्शन दिया गया है 9 से 10 सेकंड, ऑप्शन सी है 20 से 25 सेकंड तथा ऑप्शन डी है 5 से 10 सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 से 10 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, कैलामाइन लोशन किस दशा में प्रयोग किया जाता है? जिसके ऑप्शन है जलने पर, सेकंड ऑप्शन है कटने पर, ऑप्शन सी है मोच आने पर तथा ऑप्शन डी दिया गया है फोड़े फुंसी या शरीर पर रोग होने पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोड़े फुंसी पर। कैलामाइन लोशन फोड़े फुंसी पर प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में होना चाहिए? जिसके ऑप्शन है दर्द निवारक दवाइयाँ, ऑप्शन बी है डिटॉल या सेवलॉन रोई, ऑप्शन सी है विभिन्न पट्टिया तथा ऑप्शन डी दिया गया उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बुखार के लिए छोटे बच्चे को देने वाली दवा है? जिसके ऑप्शन है सेटर्जिन, ऑप्शन बी दिया गया है पैरासीटामॉल सीरीज 125 mg या फिर 25 ml, ऑप्शन सी है टैबलेट PCM 500 mg तथा ऑप्शन डी है सिरप एंटासिड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पर्सनल प्रोटेक्टिव यंत्र क्या है? जिसके ऑप्शन है फेस मास्क, ऑप्शन बी है एप्रिन, ऑप्शन सी है दवाइयां तथा ऑप्शन डी है ड्रेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फेस मास्क। अगला क्वेश्चन है, घाव को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जिसके ऑप्शन है पानी, ऑप्शन बी रुई, ऑप्शन सी दिया गया है सेवलॉन सॉल्यूशन तथा ऑप्शन डी है तेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज की इस वीडियो में हमने BA BSc BCom सेकंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी कि प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के कुल 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।